ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਲ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शंकर का अतः विवाह का दिन है। पूरे विश्व में बड़ी ही श्रद्धा धूमधाम से आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे शिवबाड़ी मंदिर में बड़ी धूमधाम से सवेरे से ही बहुत सारे कांवड़िया आए हैं, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, अतः धूमधाम से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। इस पर्व सुबह 4 बजे तो ही मंदिर खुल चुके ने, लोग अपने अपनी पूजा कर रहे हैं। ये बहुत ही श्रद्धा भावना के नाल मनाया जाता है। लोग 10 दिन पहले ही कांवड़ लैनी शुरू कर देते हैं हरिद्वार को, तो पैदल यात्रा होकर लोग अपने मंदिरों के विच आके पूजा कर रहे हैं, अपनी कांवड़ चढ़ाते हैं। अज शिवरात्रि का मतलब कि शिवजी का विआह होया सी, जिस दिन कि अज पूरी रात 12 बजे तक इस बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाएगा। शिवरात्रि का पर्व त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार मनिया जाता है। इस दिन परमात्मा सब मनोकामना पूर्ण करता है। साढ़े भी सारे साल की असं मनोकामना त्यौहार, इस त्यौहार की बड़ी वड्डी कामना करते हैं कि साढ़े भोलेनाथ जी साड़ी मनोकामना पूर्ण करें। पिछले 2 दिनों तो लगातार कन्ने पंजाब विचों नहीं, कन्ने इंडिया विचों नहीं, पूरे वर्ल्ड के विचों शिव भगत इतने नतमस्तक हो रहे हैं। असं उन्होंने इतने पहुँचते जी ए भी आखने ते श्री महाशिवरात्रि मेले दियाँ शुभकामनावां दिंदे हुए धन्यवाद भी करते। प्राचीन मंदिर है, शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, असं इतने जल चढ़ाने वास्ते आए हैं, तो अपने आप को बहुत भागे समझते हैं। अज शिवरात्रि का शुभ त्यौहार है, इस करके ये जिहड़ा मंदिर है बहुत ही ज़्यादा पुराना, 400-500 साल पुराना, जो कि इतिहासिक मंदिर है। तो पूरे इंडिया के सिर्फ 3 मंदिर ने, जो 2 ने वो साढ़े भदौड़ विच ने, ते असीं अपने आप नूं बहुत ही सुभागा वाले मानते हैं। पूरी फैमिली नाल शिवरात्रि के शुभ त्यौहार इत्थे मंदिर विच जल चढ़ाउण लई आए हाँ।